अब देख तू एक ऐसी जगह में पहुंच गई है जहां चारों ओर फूल ही फूल है, हवा में खुशबू है, वादियां सुंदर हैं। सुन जरा सुन, कुछ नजर आया? हाँ, क्या? मुझे एक फूल नजर आ रहा है। क्या बात है, कैसा फूल? बहुत बड़ा सा फूल। एग्जॉटिक होगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक डफर फूल। अरे यार फोन बज रहा है, सुनाई नहीं देता तुझे? ठीक है, तेरे बाल ना अच्छे नहीं लग रहे थे, अगर कोई प्रोड्यूसर का फोन होता तो। हेलो आकी, हाय। कौन सी फिल्म देखे आकी? फिल्म थोड़ी ना देखना चाहता है, पता नहीं क्या क्या देखना चाहता है बेवकूफ। आकी एक काम करते हैं, राखी और मैं आधे घंटे में मीटिंग पॉइंट में मिलते हैं, बाय। हम लोग पता कौन सी फिल्म देखेंगे? दिल है तो पागल है। ओके, वी हैव हाफ एन आवर, आई एम रेडी। ए अमित, किस फिल्म सजेस्ट करना यार? ए चला छोड़ ना, वो लपंटर के साथ कोई पिक्चर देखता है क्या? प्लीज 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 अमित बताना, प्लीज अमित बताना, अमित अमित। अगर तुम दोनों को पिक्चर देखने की है ना, तो जाके ड्रैकुला देख के आओ, रीगल में लगी है। उसमें क्या होता है? मैं बताऊं क्या होता है? हाँ, हाँ। आजा बताता हूँ। हाँ। उसमें हीरो जो होता है ना, हाँ। वो हीरोइन के पास जाता है, रोमांस करते हुए उसका खून पिलाता है। नहीं नहीं, मैं ऐसी गंदी फिल्म नहीं देख सकती, मैं ऐसी गंदी फिल्म नहीं देख सकती। डरपोक है ना इसलिए। डरपोक तू, तेरा बाप। मेरे बाप का नाम मत लेना, नहीं तो फोड़ दूंगा। मैंने कहा लिया तेरे बाप का नाम? वैसे भी मैं, मुझे तेरे बाप का नाम नहीं मालूम। ए प्लीज बच्चों जैसे मत लड़ो प्लीज। इसने मुझे डरपोक कहा निकी? ए डरपोक कहा नहीं, डरपोक तू है, थी और जिंदगी भर रहेगी, तभी तो पिक्चर देखने नहीं जा रही। ठीक है तो हम लोग ड्रैकुला ही देखेंगे। तुम दोनों इंटरवल के पहले बाहर नहीं निकल आए तो अपना नाम चेंज कर लूंगा। चल अंडर एस्टिमेट आ, सुन ले। ओके चल तारे, मैं फुल फिल्म ना आंखी बंद करके देखूंगी। क्या ड्रैकुला देखने गई है? दोनों अपने आपको बहुत बहादुर समझती है ना, इसलिए जब मैं गया था ड्रैकुला देखने तो मुझे एक हफ्ते के लिए जुलाब हुआ था। ऐसे लग रहा था कि ड्रैकुला मेरे पीछे पड़ा है। गधे, इतनी इनोसेंट लड़कियों का खून पी चुका है तू, ड्रैकुला तेरे पीछे नहीं पड़ेगा तो क्या मेरे पीछे पड़ेगा? यार एक आइडिया है, फैंटास्टिक आइडिया। बोल। वो तो लड़कियां अपने को बहुत तीसमार खान समझती है ना। हाँ। उनकी फिरकी उड़ाते, उनको डराते। कैसे? कैसे क्या, सिंपल, ड्रैकुला बन के। ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। तू परफेक्ट टॉल डार्क हैंडसम डेंजरस ड्रैकुला बनेगा। हैंडसम ड्रैकुला से वो लड़कियां क्या खाक डरने वाली है? हमें तो कोई ऐसा ड्रैकुला चाहिए जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, बड़े बड़े गाल हो, बड़ा बड़ा पेट हो, छोटे छोटे जो कद में छोटा हो। सतीश कौशिक कैसा लगेगा? सतीश कौशिक कौन है? वो जो फिल्म स्टार्टर में आता है, ओमपुरी। ओमपुरी एक गुड आइडिया, लेकिन ओमपुरी अपने बजट में नहीं आएगा। वो पहले आठ फिल्में करता था ना, आजकल बहुत पैसा चार्ज करता है। अपने को तो कोई सस्ता टिकाऊ ड्रैकुला चाहिए, कुछ कुछ तेरे जैसा। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसा? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ड्रैकुला बनते बनते ही डर जाऊंगा खुद, और मैं फिर मैं किस एंगल से ड्रैकुला लगता हूँ? अबे गधे, वाइड एंगल में ड्रैकुला लगता है। यार नहीं यार, मैं आगरा से बम्बई ड्रैकुला बनने नहीं आया था। तो क्या हीरो बनने आए थे जनाब? हीरो नहीं, लेकिन हीरो का भाई। चंद घंटों की बात है, लड़कियों को डराना है बस यार। लेकिन उनको डराते डराते मैं खुद डर जाऊंगा तो, और उसके बाद में पिटाई होगी उसकी क्या? अरे यार पिटाई विटाई कुछ नहीं होगी, मैं बड़े भाई वाले ड्रेस वाला को फोन करके तेरे लिए एक छोटा सा ड्रेस मंगा लेता हूँ ना। लेकिन हमें तू... अरे तो सुनता कि नहीं? अरे यार किराया मैं दे दूंगा, अब तो मान जा मेरे बाप। मान जाता हूँ, लेकिन वो लड़के आने से पहले मैं खिसकता हूँ फटाफट। और देख ट्रेनिंग करना बराबर। और तेरे को ड्रैकुला की तरह हंसना आता कि नहीं? आता है, आता है। हंस के दिखा। ऐसे नहीं, जरा फोसूल हंसी यार, ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ऑल द बेस्ट। चलो बाय। क्या हुआ, ऑलरेडी डर गई ना? ए हम लोग ड्रैकुला फिल्म देख आ रहे। ओके मैं निकलता हूँ, बाय बाय बाय। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है। और लड़कियों पिक्चर कैसी लगी है? कामते कामते पेट ही दुख गया है ना। कामते कामते नहीं, हंसते हंसते। वही तो, हाँ। जब हंसते हैं तो पेट कामता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने ड्रैकुला फिल्म नहीं दीवाना मस्ताना फिल्म देखी होगी ना। हाँ। One second. मुझे पता है तू हम लोग पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तेरे लिए टिकट लाई हूँ। देख चला, बता बता बता। ये देख। ओहो तो आजकल फिल्मों में टिकट भरने का दस्तूर बंद हो गया है। नहीं, तो क्या है कि एक्चुअली
मैं जानता हूँ तुम दोनों को, साला कोई ड्रैकुला वगैरह नहीं देखा है, जरूर दीवाना मस्ता नहीं दिखाऊंगा डरपोक कहीं की। नहीं डरपोक तू। बाप का नाम मत लेना। चल 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 सो जा। हेलो अमित, उठ, 12 बज गए। मैं कौन है? मैं हूँ ड्रैकुला। कुनाल कुनाल कुनाल, तूने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। आजा आजा इधर बैठ जा। क्या लग रहा है बाय गॉड। अरे 12 बज गए क्या? बज गए बज गए। अब मुझे बता क्या करना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे तुझे क्यों डर लग रहा है? तू तो ड्रैकुला है। ड्रैकुला? मैं ड्रैकुला हूँ। तुम्हारे दोस्त के गले में क्रॉस है, बट आई बी बैक। ए लोग बोलते क्यों बंद हो गई? इतना डर गए क्या? ए अभी सो जा, मुझे भी सोने दो, सुबह को ड्रैकुला को ढूंढने जाने का। सो जा सो जा। राखी, राखी मुझे मेरे डैडी की याद आ रही है। राखी ड्रैकुला को देख के मेरे डर के मारे। अमित अमित अमित, अरे यार अब क्या हो गया? अमित अच्छा अच्छा, एकदम फट गई ना अभी, बहुत बहादुर बनने चले थी। अब बोलो डरपोक कौन है? मैं हूँ निकी। मैं भी। आ गले लग जा, आ जा आ जा। अरे यार ये सुबह सुबह कौन आ रहा है? कल रात कैसी रही? कल रात की क्या बात है, बाय गॉड फैंटास्टिक। मैं तो कहता हूँ कि रोज रात डैकला बनके तू मेरे घर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि निकी और राखी को कल हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने अपने आप को जब शीशे में देखा तो मुझे लगा मुझे भी हार्ट फेल हो रहा है। नहीं यार, तेरे जाने के बाद दोनों ने क्या रोना शुरू कर दिया था। बोले कि हाँ हम लोग डरपोक हैं, अमित तू ही तो ब्रेव है, तू ही तो बहादुर है, हमें प्रोटेक्ट कर प्लीज। अच्छा फिर तू ये कॉस्ट्यूम रिटर्न करते, मैं जॉगिंग जा रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या जॉगिंग? नहीं नहीं, कहना कल रात को मेरी ठीक से नींद नहीं हुई, मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ। राखी उठ, सुबह होगी। नहीं नहीं ड्रैकुला प्लीज, मेरा खून मत पीना, मेरा खून बहुत मीठा है। आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपके बच्चों को डायबिटीज हो जाएगी, आपके पूरे खानदान को डायबिटीज हो जाएगी। प्लीज 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 प्लीज। Thank you.
राखी राखी उठ नहीं मैं नहीं उठूंगी मैं नहीं उठूंगी राखी उठ उसने ये सब ड्रामा किया था हमें प्रूफ करने के लिए कि हम लोग डरते हैं निकी मेरी तो इज्जत का फालूदा बन गया अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही डोंट वरी अमित के बच्चे को भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे कैसे पगुवंक को फोन करते हैं यस पगुवंक को फोन करते हैं कितने पगुवंक है कौन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे चुप लगता है दोनों लड़कियां डर के भाग गई हैं भाग गई भाग गई भाग गई लेकिन अमित अगर दोनों लड़कियां भाग जाएंगी तो तुम्हारा किराया कौन भरेगा फोन आ गया हेलो अमित बोल रहे हैं आप देखिए भाई साहब अभी तक तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे लेकिन हाँ अब अमित बोल रहे हैं वैसे आप कौन बोल रहे हैं आदाब आदाब भाई साहब इस नाम के आदमी को तो मैं जानता नहीं हूँ मेरा मतलब है अस्सलामुअलैकुम अरे तो पहला बोलने का था ना वालेकुम सलाम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरा फैन लोग हमें मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप कुछ हमारी नई लिखी हुई गजलों को अपने संगीत से सजाएं। अरे सजाएंगे साहब और क्या सजाएंगे हर एंगल से सजाएंगे आप आके मिल तो लीजिए तो ठीक है मैं बराबर 12 बजे आऊंगा 12 बजे कल दोपहर में नहीं मियां आज रात को आज रात को लगता है आपको बहुत अर्जेंसी है नहीं मैं बस पकड़ के आपके यहाँ जाऊँ अरे बस को मारिए गोली रात के 12 बजे कहाँ धक्के वक्के खाएंगे आप ऐसा करिए ऑटो पकड़िए और आ जाइए नहीं अशरफिया लगेगी मियां अशर व्हाट ये कहाँ की करेंसी है आलमे जहां बादशाह अकबर की अकबर कमाल है आप भी काफी मजाकिया किस्म के इंसान लगते हैं मेरे को अरे काम करिए ऑटो पकड़िए और आ जाइए जितना खर्चा होगा ना मेरी पेमेंट में से काट लेना आप भी क्या याद रखेंगे जय कौन सा वाला वो कौन है ये मैं आकर समझाऊंगा आपको ओके ओके जल्दी आ जाइएगा आई विल बी वेटिंग फॉर यू अरे यार किस्मत खुल गई जिस ब्रेक का मुझे बेसब्री से इंतजार था ना लगता आज मिल जाएगा मिर्जा गालिब का फोन था और वो ये चाहता है कि मैं उसकी कुछ नज़मों का म्यूजिक कंपोज करूं अमित हाँ तूने बहुत पी रखी है मेरे को मालूम मेरे दोस्त मिर्जा गालिब 200 से ज्यादा साल पहले मर चुके हैं लेकिन अमित अमित सिर्फ मिर्जा गालिब का ही भूत है ना तू तो शेर का पुत्र है ना लेकिन उसमें कोई गलती भी तो हो सकती है और फिर भूत के सामने शेर क्या शेर का पुत्र क्या क्या हुआ मुझे जुलाब छूट रहा है क्या मैं घर जाता हूँ नहीं नहीं मैं घर है यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जा मेरा दोस्त चला गया अब मेरा क्या होगा मेरा तो जुलाब भी नहीं छूट रहा है क्रॉस मत गया जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद तुम लोग कहाँ चली गई थी बाथरूम में जा रहा था वो उसकी जुलाब छूट रही थी ना डराओ अरे मर्द को कभी डर नहीं होता और मेरी ये थिंकिंग है कि आज रात को तुम दोनों लड़कियों को मेरे साथ ही सोना चाहिए हाँ आई डोंट थिंक सो इवन आई डोंट थिंक सो यू शुड थिंक सो बाय गुड नाइट रामकृष्ण हरि कौन है बे बदतमीज हम मिर्जा गालिब बोल रहे हैं कब्रिस्तान से फोन किया था आपको अरे तो क्या होगा ना अगर आप ज्यादा मसरूफ हैं तो दरवाजा खोलने की जहमत ना करें हम दीवार से निकल आते अबे नहीं बोल मेरे दीवार को तोड़ेगा क्या आता हूँ जल्दी आइए आता हूँ खड़े रहे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग
इस फार्मूला से हॉलीवुड के भूत डरते हैं, बॉलीवुड के नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, ये ना ये वाकम। आदाब है। व्हाटएवर। फरियत तो है। अभी तक तो थी, आगे मालूम नहीं क्या होता है। आप बैठिए बैठिए। बस के लंबे सफर के बाद बहुत प्यास लगी थी, तो मैं आपके बिल्डिंग के चौकीदार का खून पी के क्या? वो पेट भर के भी क्या रहे? हम अपने लिखी हुई नई गजलों की एक एल्बम रिलीज करना चाहते हैं। अजी बड़ी डिमांड है गजलों की कब्रिस्तान। काफी पंकी भूत होंगे नहीं? बड़ी दुखी आत्माएं। उस दिन हम बादशाह अकबर के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तो आपका गीत सुना। क्यों सुना? बस उस दिन के बाद आपके साथ काम करने का भूत सवार हो गया हम पर। भूत सवार होता क्या? कुछ फरमाया आपने? जी नहीं नहीं, आपके सामने मैं कुछ कैसे फरमाएगा कर सकता हूँ। तो मैं आपको अपनी गजल सुनाता हूँ, उठाइए तानपुरा। गिटार ही मीन गिटार उठा लिया। अगर आपका काम हमें पसंद आया जी, तो हम सैगल साहब को बांद्रा वाले कब्रिस्तान से बुलाएंगे और अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग करेंगे। बजट का बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अकबर बादशाह जिसके फाइनेंसर हैं, उसको बजट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, और अगर आपका काम हमें पसंद नहीं आया तो कब्रिस्तान जाएंगे। वो अकेले ही जाएंगे? नहीं, आप और हम दोनों साथ में जाएंगे। अर्ज किया है। अरे कुछ कहेंगे नहीं आप? अरे पहले आप तो कुछ कहिए। अरे बदतमीज, शेरी कहने से पहले। राइट राइट, मैं तो भूल ही गया था। खुदा हाफिज। खुदा सॉरी इरशाद। आई टेल यू तो सुनिए जी। रस्ते चिलगोजाए चिलगोजाए अलामा बुखारा सलामा। अरूसे अरूसे अथनिए पहले अरूसे अरूसे। ये किसका एड्रेस है अंकल? प्लीज ये हमारी नई गजल है। तो आगे सुनाइए ना, आगे सुनाइए। आगे तुम सुनाओगे वरना मेरे साथ जाओगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अपना गला साफ कर रहा था अंकल, रियाज कर रहा था ना इसलिए। बोलो। लाइए अपनी वो किताब दीजिए, मैं सुनाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खरूसे अरूसे कमा का मैं हो गया यहाँ का मरा मत गया। हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो गया? थोक करो। क्या हुआ क्या हुआ? करो कबूल। और नहीं सुनाया था? एक सुन लीजिए प्लीज। बिल्कुल नहीं, मेरी लाश पर छूट जाएगी। छूट रही है मम्मी। निकी रानी निकी राखी मीट गाली बंग। कौन गालिब? अरे दिखता नहीं क्या इतना लंबा चौड़ा? अरे तू किससे बातें कर रहा है? अरे यार गालिब अंकल के भूत से बात कर रहा हूँ, और किससे बात कर रहा हूँ? तू तो बोलता था कि तू भूतों से डरता नहीं है। बहुत बहादुर है, डरपोक नंबर वन। अरे मेरी माओ, जितनी गालियाँ देना चाहती हो ना बाद में दे देना, पहले इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। तू एक्सेप्ट करता है कि तू डरपोक नंबर वन है? अरे मैं तो महा डरपोक हूँ, पहले इनको तो बोलो यहाँ से जाए। बग्गू अंकल नहीं, गालिब अंकल। स्टूपिडो गालिब अंकल। मैंने तो बग्गू अंकल को पहले से पहचान लिया था। ये कौन से एंगल से मिर्जा गालिब लगते हैं? क्यों अंकल, वैसे मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? इसलिए तो इतना तो कांप रहा था ना। कांप रहा था? ए डफर, सर्दी के मौसम में कांपूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? ए और तू जाके दरवाजा खोल, क्या कुणाल आया होगा? अरे यार पका डाले, जा कुणाल जाके मुंह धो के बहुत होगी तेरी एक्टिंग। आई स्वेर इट यार, कितनी लंबी हील पहन के आए देख। आई नो कुणाल कुणाल तू तो ये कौन है? मायसेल्फ ड्रैकुला।